हाय एवरीवन, आई एम रागिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज याद करने वाली हूँ कलंक का थ्रीजर, जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस लिए गए हैं। और करण मूवी का जो प्रोड्यूसर है करण जौहर हैं। सो ये चीज़ ऑब्वियस है, कॉमन है, करण जौहर हूँ और बड़े कास्ट ना हो तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो इसमें है जो एक्टर वरुण धवन है, जो डेविड धवन के बेटे हैं, काफ़ी अच्छे कॉमेडी एक्टर हैं और काफ़ी अच्छे एक्शन भी करते हैं, रोमांटिक हीरो भी हैं। आदित्य रॉय कपूर, जो अभी उनकी मूवी आई थी आशिकी 2, जो काफ़ी फेमस हुई है, काफ़ी अच्छी हुई, लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया है। और संजय दत्त, जो बहुत टाइम बाद उनकी भी मूवी से उन्होंने कम बैक किया, संजू से उन्होंने कम बैक किया है, उनकी बायोग्राफी थी वो, और काफ़ी मूवी चली हुई यहाँ पे। आलिया भट्ट, महेश भट्ट की वो है, तो उनका तो मूवी चलता ही है, और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, इतनी कम एज में उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। माधुरी दीक्षित, उन्होंने अभी हाल में मूवी को की थी, जो याद नहीं आ रहा है, और ये उनकी संजय के साथ में बहुत टाइम के बाद अब मूवी निकली है उनकी, उन्होंने किया है। अभिषेक वर्मा जो उसके डायरेक्टर हैं, और देखते हैं साथ में रिएक्शन कैसा होता है, मूवी का रिएक्शन क्या है, थ्रिलर क्या है। ओके, धर्मा प्रोडक्शन। सो नाइस ना, सोनाक्षी सिन्हा, वाव यार, व्हाट अ सीन, सो नाइस। आलिया भट्ट, वाव, वरुण धवन, क्या बॉडी है। आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त, जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगी तो हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं इस दुनिया में। वाह, क्या डायलॉग है। करण जौहर, सनी मनी जौहर, अभिषेक वर्मा, था थ्रीजर कलंक मूवी का, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन किए गए हैं। वरुण धवन वो उसके ऊपर बैठते हैं, वो फाइटिंग होती है उन लोगों की, एंड आलिया भट्ट वरुण धवन मिलते हैं उसमें से, और काफ़ी अच्छे सीन लिए गए हैं इसमें, कितना सीन अच्छे अच्छे सीन लिए गए हैं। वो डांस के स्टेप्स हैं, जो पानी के बीच में, वो नाव के बीच में जाना आलिया भट्ट का, और वो पतंग लेके भागना, काफ़ी अच्छे सीन हैं, काफ़ी मेहनत की गई है इसके पीछे, काफ़ी खर्चा किया गया है, आई एम श्योर काफ़ी खर्चे हुए हैं। मूवी का सीन, एक एक सीन काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है, और उतने ही अच्छे एक्टर उन्होंने, एक्ट्रेस उन्होंने कास्ट किए हैं। सो आई एम डैम श्योर मूवी बहुत अच्छी होगी। और जो लोग अभी जो अपने फिल्म इंडस्ट्री के हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि मूवी बहुत अच्छा इनकम करेगी, बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ेगी बाकी फिल्मों का, और बहुत इनकम करने वाली है। सो आई एम नॉट श्योर मूवी कितना करेगी, क्या करेगी, बट आई एम डैम श्योर मूवी को देखने तो मैं जरूर जाने वाली हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी कास्टिंग है, इतनी अच्छा उसका पीछे का बैकग्राउंड है, इतना अच्छा, मतलब मूवी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को, कि क्या कनेक्शन है बाकी लोगों का सबसे, कैसे वो लोग मिल रहे हैं, कैसे अलग हो रहे हैं, क्यों शादी उसकी, जब वो वरुण धवन से मिल रही है आलिया भट्ट, तो वो शादी आदित्य वापस क्यों कर रही है, सब क्वेश्चन है मन में। मूवी से मैं जरूर जाने वाली हूँ, और आप भी जाइए मूवी देखिए, इंजॉय करिए। मूवी नेक्स्ट मंथ को अप्रैल 19 को रिलीज हो रही है, सो मेक श्योर आप जाइए मूवी देख के आइए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इसका ट्रेलर मुझे इतना अच्छा लगा, तो ट्रेलर का तो सो तब तक के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।